बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रीमान ताराचंद जी का आज जन्मदिन है क्योंकि आज जो है वो तारीख़ है सात नवंबर सात नवंबर 2021 हज़ार है सात नवंबर को आपका जन्मदिवस है और ताराचंद जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं इनके पास में बैठे हैं हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब और इधर बैठे हुए दिनेश जी भट्ट साहब जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष है उदयपुर भाजपा के और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लीडर हैं और आप सब गांव के बैठे हुए हैं और तो गाँव रो का ही नाम व्यवहार ये ढींकली गे आवास है प्रताप नगर पुराना आर के अंदर जब हम घुसते हैं तो वहाँ डिंकली गे है और खुशी की बात यह है कि ताराचंद जी द्वारा महावीर सेवा संकल्प ट्रस्ट इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है जहाँ ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली इनका इलाज के लिए ये सभी देखिए आप ये बहुत बड़ा इधर ये गांव के लोग भी खड़े हैं इधर डॉक्टर साहब भी हैं जो सारी दवाएं लेके आए हुए हैं और गांव के जो बुजुर्ग हैं वो भी है आपका नाम आपका राम जी राम जी डांगी गायरी और आपका नाम शंभू जी शंभू जी ये सभी गाय के हैं अपने इस गाँव के हैं तो शॉर्टकट में चाहूंगा कि शुभकामना के लिए भी कहें दिनेश जी भट्ट साहब आदरणीय ताराचंद जी जैन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जनसेवा में इनकी रुचि बहुत प्रारंभ से रही है इसके साथ जीव दया में भी आज आपके जन्मदिन पर और इससे पूर्व भी आपने अनेक अनेक शिविर लगाए हैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं शुभकामनाएं देते हैं और यह जो भाव है जीव दया का वो हम सबके मन में बढ़े ऐसा हम आज संकल्प लेते हैं पुनः उनको बहुत बधाई देता हूँ इस मौके पर हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल जी भाई साहब फूल जी भाई साहब ये तो गांव मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है आदरणीय अच्छो जी भाई साहब ये तो शहर के नज़दीक है यहाँ से नब्बे किलोमीटर यहाँ से तो सौ किलोमीटर दूर है जो सरू और सुरूपाल यहाँ से पंद्रह बीस किलोमीटर तो उदयपुर पड़ता है मेरा बॉर्डर है और वहाँ से पिचासी किलोमीटर आगे भी है सरू और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा उदयपुर शहर से मतलब पिचाव किलोमीटर भी है सवा सौ किलोमीटर का दायरा है क्षेत्रफल सवा सौ किलोमीटर का है और मैं धन्यवाद देता हूँ आज आपको भी कि हमारे पूर्व जिला देख से ताराचंद जी जैन साहब का वास्तव में कई वर्षों से ये शिविर चल रहा है और जो मुँह से नहीं बोलते हैं ऐसे मवेशी गाय है भेस भैंस है बकरी है ऊँट है या हमारे जो भी भेड़ वगैरह वगैरह जो भी मवेशी है जो नहीं बोलते हैं उनके लिए बीमारी हो और चाहे ना हो बीमारी है तो उसका इलाज कर रहे हैं नहीं है तो जैसे हमारे टीके लगते हैं ना उनके टीके लगाने का जो काम कर रहे हैं जिससे बीमारी नहीं आएगी इस अवसर पर मैं इनके अनेक शिविरों में जब से इन्होंने लगाया तब से मेरे को भी याद करते हैं मैं भी ऐसे मौके को कभी छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि ये हमारे मुँह से नहीं बोलते हैं मवेशी और उनके लिए इन्होंने महावीर सेवा संकल्प चैरिटेबेबल ट्रस्ट से इन्होंने दवायाँ फ्री में इलाज कराना डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह सब लाते हैं जैसे ये हमारे बासा लेके आए हैं बकरी इनके टीका लगाएंगे साथ में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जी भट्ट साहब हमारे जिला के मंत्री अमृत जी मेनारिया और हमारे महामंत्री भाई रामकृपा जी शर्मा और हमारे अशोक जी एडवोकेट साहब सम्मानित मेरे बुजुर्ग है गारियावास के देख लो यहाँ पे गांव में कितनी रुचि है यहाँ पे हर गांव में आठ आठ दस दस मवेशी बकरी है भैंस है ऊँट है बैल है ये अनेक मवेशियों को यहाँ पर इलाज के लिए लाए हैं तो इनके देखो इलाज कर रहे हैं तो वास्तव में मैं बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लंबी आयु हो और ऐसे ही हमारे सेवा करते रहे धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं ताराचंद जी भाई साहब को आप तो विधायक महोदय हैं सरकार द्वारा भी आप करते हैं पिछले पिछले दो बार विधायक हैं लगातार पिछले बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप भी थे अभी भी कांग्रेस की सरकार है लेकिन ग्रामीणों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं आते रहते हैं आदरणीय हुक्म ये जो जैसे बकरियों के इन गायों के इंजेक्शन लगवाते हैं तो ये मतलब जानवरों में कौन कौन सी बीमारी आती है जानवर में बीमारी आ जाती है कोई करवा आ जाता है कैसे को कोई बीमारी आ जाती है कोई भी है कांटा ऐसा कोई भी आ जाते हैं अच्छा। और बीमार भी, भी हो जाती है भी पड़ जाते हैं तो ये इंजेक्शन से फायदा दवाई तो फायदा अच्छा। लगा दवाया लगावा कोई तो घर वाली बीजू तो मुँह मुँह बीजा इस दवाई से थोड़ा आराम पड़ता है इनको आराम पड़ता है बहुत बहुत धन्यवाद आप भी अपना परिचय देकर कुछ बताइए सर प्रताप सिंह देवड़ा गायों भैंसों में तो सर बहुत सारी बीमारी होती है जैसे मुँह गाय भैंस बोल नहीं सकती है कभी मुँह के बकरियों के बे, गाय के भैंस के सबके मुँह पका हो जाता है खर खुरो में वो आ जाता है उसमें फिर उसके बाद क्या ज्ञापन होती है तो उसका कांटा निकल जाता है बहुत सारी बीमारी होती है कुल मिलाकर यूँ तो सरकारें या चिकित्सक तो अपना काम करते ही करते पशु के लेकिन ये ताराचंद जी द्वारा महावीर ट्रस्ट द्वारा ये चलाया जा रहा है ये बहुत खुशी की बात है इस मौके में आप भी वकील साहब राम कृपा साहब और सिंघवी साहब आप दो-दो शब्द कहें हैं परम आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब दिनेश जी भट्ट साहब फोल सिंह जी मीणा साहब राम जी अमृत जी मुकेश जी राजेश्वर जी और छोखालाल जी भाई साहब आपने इस मौके पर ताराचंद जी जैन साहब द्वारा जो मावी सेवा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो गाय और पशुओं के लिए जो किया जा रहा है यह एक सराहनीय कार्य है बहुत अच्छा कार्य है मैं इनको जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राम कृपाल जी जो कि पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं रामचरित मानस में एक प्रसंग है तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरस सर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम कि जिसके जीवन में परोपकार की भावना नहीं हो उसका जीवन अधूरा है मनुष्य जीवन है निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का परोपकार की भावना मन में होनी चाहिए दूसरे लोगों का हित किस प्रकार से हो इस प्रकार की भावना के साथ में जो मनुष्य काम करेगा उसकी यश में भी वृद्धि होगी उसके जीवन में भी वृद्धि होगी और वो हमें हर प्रकार के फलों को प्राप्त करेगा आदरणीय ताराचंद जी साहब ने अपने आज जन्मदिन के अवसर पर और इस प्रकार का सुंदर पशु जो बोल नहीं सकते निरीह प्राणी है उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा शिविर आयोजित किया उनको ढेर सारी बधाइया जन्मदिन के अवसर पर एक अच्छा परोपकार का कार्य किया ईश्वर उनको इस प्रकार से यश वृद्धि दे इस प्रकार की जीवन वृद्धि दे ऐसी कामना है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे यहाँ जो पशुओं के डॉक्टर है हमारे गाँव में तो शायद पुराने जमाने में साथी जी कहा जाता था ऐसे ही कहते थे कि भाई साथी साथी जी कहते थे तो सर आप अपना परिचय बताइए और ये क्या कैसे कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो देखिए सबसे पहले तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा आदरणीय ताराचंद जी जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे एम एल साहब आए उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ दिनेश जी आए उनके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ ये जो कैंप है सब लोग ये इनकी खुद की सेल्फ परचेजिंग ब्रांडेड दवाइयों की परचेजिंग कर रहे हैं ये लोग और जो इस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है ये लोग टाइम निकाल रहे हैं ये लोग सब लगे हुए हैं जीव दया के लिए मैं इनका दिल से सम्मान करता हूं साथ में सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो भी ये लोग कर रहे हैं इसमें पूरे गांव में जैसे यहां पे दिक्कत था थोड़ा सा गैप टाइप था ये गारियावास एक अलग चीज़ है थोड़ा मेन गांव अलग है इन लोगों ने बैल से प्लान किया ये लोग कहीं भी किसी भी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है सारी दवाइयाँ खुद के पैसे से सहन हमारा कोई योगदान नहीं केवल हम डिस्ट्रीब्यूट करने में से करें सारी ये ब्रांडेड दवाई है तो ये दवाएँ किस किस काम में आती ये में सारी दवाइयाँ जैसे कि मौसमी बीमारियों की सारी दवाइयाँ हैं इसमें बांझपन की दवाइयाँ हैं चीचड़ों की दवाइयाँ हैं साथ में इसमें सारी बीमारियों की दवाइयाँ हैं ए से लेकर जेड तक वैक्सीनेशन है आपका पूरा परिचय मैं गिरधारी तिवारी और यहाँ पशु उपकेंद्र पर प्रभारी हूँ और यहाँ पे मैं पिछले दो साल से कार्यरत हूँ जी जी और यहाँ मेरे सामने ये सेंटर है यहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देखिए भाई साहब क्योंकि आप नौकरी तो करते हैं लेकिन एक नौकरी करने वाला भी अपना एक्स्ट्रा समय देकर ये सेवा के काम में लगे हुए हैं ये हमारा कुछ भी नहीं है ये केवल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब लोग ये सब कुछ इनका है। इवन हमारा खाना नाश्ता सब लोग ये प्रोवाइड करते हैं हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है तो ये देखिए भाई साहब कि इस इस तरह के जन वाले लोग क्योंकि मेरे साथ जो पार्षद है मुके, मुकेश जी ये मेरे साथ मैं भी पार्षद हूँ ताराचंद जी भाई साहब भी बड़े नेता है तो भी हमारे साथ पार्षद है मुकेश जी भी पार्षद है मुकेश जी आप भी सर तो सर्वप्रथम तो ताराचंद जी भाई साहब के जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं हमारे बीच ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा साहब का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे पूरे जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी भट्ट साहब का भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एवं चोखलाजी जी साहब का भी विशेष जोर से आभार व्यक्त करता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो पहले कभी इस तरह से किसी पशु सेवा नहीं की है भाई साहब के माध्यम से ही जब जब शिविर में आया हूँ इस तरह की सेवा में इस पुनित कार्य में शामिल हुआ हूँ इसके लिए भी मैं बहुत बहुत भाई साहब का ताराचंद भाई साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गाँव वालों का भी बहुत धन्यवाद क्योंकि इतने लोग यहाँ आए हुए हैं अब हमें लास्ट में क्योंकि ये हमारे नेता जी भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद जी साहब और अच्छे काम भी करते हैं तो आदरणीय भाई साहब आपको बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद कारण की हमारे एम साहब ने दिनेश जी भट्ट साहब ने सबको आपको थैंक्स दिया है इस बात का क्योंकि ये तो काम आप पहले से कर रहे हैं लेकिन आज जन्मदिन तो आज है आपका आज हमें भी आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कही है कि क्या लखन लें हम लोग भी <laughs> मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि सेवा के कार्य के अंदर किसी भी रूप में क्योंकि एक दाने की कीमत कितनी होती है ये मुझे पिछले दो तीन महीनों से एहसास हुआ है सही सही कह रहा हूँ मैं आपको कि जब मैं आधा पौन किलो मक्की मेरे यहाँ एक बना हुआ है वहाँ डालता हूँ तो सवेरे देखता हूँ जब डालने जाता हूँ तो एक दाना एक उस दाना उस पौन किलो के अंदर रहता नहीं है चावल डालता हूँ आधा पौन किलो एक दाना नहीं रहता है तो उस पशुओं को पक्षियों को कितनी ज़रूरत है मतलब एक ढूंढा हुआ दाना नहीं मिलता है वैसे कोरोना काल के अंदर हमने पूरा कोरोना काल के अंदर जब हमारा स्टाफ बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा साहब अब क्या करें हम तो मैंने कहा अपनी गाड़ी ले जाओ और आपका काम एक ही कि पूरी गाड़ी में सब सामान भर दो और मनुष्यों के लिए तो सब जगह कहीं खाने के पैकेट बट रहे हैं कहीं क्या हो रहा है सब तरफ था क्यों अपना काम दिए ये करो जिसको कोई नहीं कर रहा है उसको अपने हाथ में लो तो सोभापुरा से हमने रजगा तय किया पचास पूरी और दाने रोटी और अंदर शहर के अंदर जब कर्फ्यू लग गया तो ऐसी हालत हुई कि वहाँ कोई चारा देने वाला नहीं खाने के लिए कुछ नहीं एक उदाहरण आपको बताऊँगा कि कोरोना काल के अंदर फतेह सागर की पाल के ऊपर जब उन्होंने उस फाटक को बंद कर दिया दस बारह दिन कोई गया नहीं तो नौ कुत्ते भूख से मरे हुए मिले पानी पी के कितने दिन निकाले तो वहाँ लाशें मिली पर क्योंकि वो फाटक बंद थी कोई डालने वाला था नहीं तो वो वो कुत्ते केवल भूख से मर गए तो हमने कोरोना काल के बाद पूरे कोरोना कालखंड के अंदर अपनी गाड़ी चलाई और उसके तुरंत बाद इस गाड़ी को हमने नई खरीद कर हमने पूरा अट, महीने भर के अंदर 28 दिन तो ये गाड़ी शहर के अंदर चलती है और केवल दो दिन जैसे आज है शिविर और महीने में दो शिविर करते हैं पिछली बार था रेबरियो के गुड़ा में था हाँ तो अब आपसे भी आग्रह है कि जब भी आपको ऐसा लगे तो हमारे ये महेंद्र जी हैं ये मुकेश जी हैं अमृत है अमृत इनको आप बता दोगे तो हमारी तरफ से आप जब भी बताओगे उसके दो चार दिन हफ्ते में शिविर लगा देंगे मैं हमारे विधायक फूल सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ भाई अमृत ये पार्षद है हाँ इनके पत्नी पार्षद है इनकी पत्नी पार्षद है पीपी पार्षद पति हैं और तीसरा ये मुकेश जी मैं आपको सही सही कह रहा हूँ इनका बहुत जिन शब्दों में धन्यवाद अर्पित करूँ कि पैसा खर्च करना तो अलग विषय है लेकिन मन से काम करना ये पैसे से ज़्यादा पुण्य मिलता है मन के भाव से तो ये फूल जी कोई एक शिविर ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसमें ये नहीं आए बारह तेरह शिविर हुए पिछले छः महीनों में शिवरात्रि के दिन शिविर चालू किए आज तक चल रहे हैं बराबर तो सभी शिविरों में दिनेश अपने फूल जी आए भाई अमृत तो सवेरे मेरे से पहले निकल जाता है मैं जब कपड़े तैयार करके पहनने की तैयारी करूँ उसके पहले तो ये तैयार हो के आके और इस काम में मुकेश जी भी तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इस पशु सेवा के अंदर क्योंकि जन्म तो मेरा सड़सठ साल पहले हो गया है जन्म के आएंगे जाएंगे उससे ज़्यादा मायने कोई अच्छा काम करके जन्मदिन मनावे तो सुकून मिलता है मन से देखो सही सी बता रहा हूँ मन से सुकून मिलता है तो मैं ग्रामवासियों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ और ये शिविर के अंदर जब भी जहाँ लगेगा आज भी गांव के अंदर लगेगा उसके बाद अगर कोई ऐसे पशु आपको लगे कि भाई जो आ नहीं सकता आ ला नहीं सकते तो ये डॉक्टर कंपाउंडर हमारे गाड़ी में परमानेंट रहता है इस गाड़ी के साथ तो इसको ले जाके भी आप वहाँ भी इलाज करवा सकते हैं सभी तरह की दवाइयाँ ले जाके ये शाम तक क्योंकि इनके भोजन की व्यवस्था साथ रहती है ताकि ये इस बात से निवृत्त हो जाए आपको लगेगा तीन बज भी तीन भी बजेगी तब तक भी ये तीन चार भी बजे तक सभी पशुओं का इलाज करके ही जाएंगे और मैं आदरणीय फूल जी का भाई दिनेश जी भट्ट साहब का मुकेश जी का अमृत जी का पूनम मोर का और सबसे ज़्यादा छोगालाल जी का <laughs> अरे अरे छोगालाल जी का देखो बात सुना छोगालाल जी को देखो एक बात बता दूँ मैं आपको मैं कोई मेरे जन्मदिन के बधाइया देने के लिए एडवर्टाइज नहीं करना चाहता हूँ मेरे मन में ये है कि इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे तो लोग इससे इस बात से जुड़ेंगे करो यार ये शिविर लगाते हैं तो कम से कम आप सूचना देंगे तो हमको नया स्थान मिलेगा इस सेवा कार्य को करने का तो आपसे भी आग्रह जब भी आपको ऐसा लगे कि अपने गांव के अंदर शिविर की आवश्यकता है केवल दो चार दिन पहले बताओगे सभी सारी व्यवस्थाओं के साथ डॉक्टर कंपाउंडर आएगा और मामूली दस बीस तो पशु तो अपनी गाड़ी लेके आ जाएगा जहां जहाँ भेजोगे शिविर नहीं होगा तो भी आ जाएगा करेंगे धन्यवाद सभी का और आभार आप पधारे सम्मान बढ़ाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक जी का भी राम कृपा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि मतलब पैसा तो हजारों लोगों के पास होता है लेकिन धर्म के नाम पैसा खर्च करने वाले बहुत कम होते हैं तो ऐसा करना चाहिए ताराचंद जी भाई साहब कर रहे हैं हमें बहुत खुशी की बात है इस मौके पर मेरे एक और पार्स पार्षद साथी पूनम जी मोर भी आए हुए हैं भाई साहब क्योंकि ये पूनमचंद जी मोर है नवीन जी कच्छारा भाई साहब भी, भी पधारे हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हम लोग साथ में पार्षद हैं नगर निगम उदयपुर में आप भी दो शब्द कही सबसे पहले तो मैं भाई साहब ताराचंद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और भाई ताराचंद जी ने जो ये अपने गाय पशुओं का जो ये कैंप लगाया है ये सबसे बड़ा भारी काम सबसे बड़ी चीज यही मानता हूँ मैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके पर यार देखो एक खुशी की बात और है कि ताराचंद जी तो धर्म का काम करते ही करते हैं लेकिन उनके उनके ये जमाई साहब हैं ताराचंद जी जैन साहब के जिनका नाम है राज राजेश्वर जी जैन साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और अपने उदयपुर जिले में जितने भी पेट्रोल टैंक है डीजल टैंक है उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है सर कोई गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है खुशी की बात है कि जितने भी पेट्रोल टैंक है उदयपुर में ये राज राजेश्वर जी अध्यक्ष भी हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके ससुर जी ताराचंद जी जैन उनका जन्मदिन भी है ये इतना बढ़िया धार्मिक काम भी करते हैं तो यार आप साथ लगे हुए और खुशी की बात है यार बाकी ससुर जी अलग रहते हैं और जमाई अलग रहता है अपने अपने काम धंधे में करते हैं लेकिन धार्मिक काम कर रहे हो आप आप भी दो शब्द कही है देखिये परिवार में यदि एक मुखिया अच्छा नेतृत्व तो करता है तो हमें उनका साथ अच्छा नेतृत्व तो मिलता है हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे परिवार में एक अच्छा व्यक्ति है जो परिवार को दिशा दे रहा है पैसा कई लोगों के पास है जैन समाज में पैसे की कहीं कमी नहीं है पर एक अच्छे कार्य के लिए मन की बहुत कमी है मतलब टाटा भी बिरला अमारी सब काम करते हैं परंतु कौन अच्छा काम करता है ये आप स्वयं जानते हैं वैसे ही नगर में कई सेठ होंगे परंतु सब अपना अपना काम करते हैं पशुओं के लिए काम करना आपकी बहुत मन की इच्छा रही है हम कई बार कहते हैं समाज में ये वो कर लो ये कर लो नहीं मेरी इच्छा पशुओं के प्रति है जिनके लिए लोग नहीं करना चाहते लोग क्रूरता करते हैं बहुत से लोग तो क्रूरता करते हैं और आप लोग इसका मतलब उसमें काम में सहयोग करते हैं और हमें भी धीरे धीरे इस लॉकडाउन के बाद हम भी इसमें इच्छा हो गई आज सब लोग काम करते परिवार के और लोग भी अभी आ रहे हैं और जन्मदिन के अवसर पर इस ऐसा आयोजन करना और अच्छा लगता है और ये सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर कोई अच्छा कार्य करें आपसे प्रेरणा लें हम सब यही काम करते हैं लगते हैं और सभी से आपके जन्मदिन की और शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूं और आप शतायु हों और स्वस्थ रहें और इस काम में लगे रहें यही मेरी शुभकामना ईश्वर से कामना है आप सबने यहाँ बुलाया धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये थे राज राजेश्वर जी जो ताराचंद जी जैन साहब के जमई साहब है जमई होकर भी आज धार्मिक काम कर रहे हैं और सभी गाँव वासियों का बहुत बहुत शुभकामना है धन्यवाद आज श्री ताराचंद जी जैन साहब के तो महेंद्र जी सेन मेरा महेंद्र सेन नाम है और महावीर सेवा संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट पीड़ित पशुधाम जो ताराचंद जी जैन साहब के नेतृत्व में है उस वाहन का पूरा संचालन और मैनेजमेंट हमारी पूरी टीम करती है जिसमें डॉक्टर कंपाउंडर और प्रतिदिन ये कार्य चालू है आज ये कार्य हमने यहाँ पर गायवास ढीकली के अंदर रखा है जिसमें कम से कम अभी 200 गाय पशु बेल और आए हैं और अभी इनके अभी वैक्सीनेशन का कार्य भी चालू है और ये कार्य सतत चालू और छोकला जी के नेतृत्व में हम सब नेतृत्व नहीं है आप भी मार्गदर्शन देते रहते हैं और चंद्रशेखर जी भाई साहब भी हमारे सेवा कार्य में है चलो बहुत बहुत धन्यवाद वाह ये आप रिपोर्ट है हाँ मतलब आप गाँव में तो आपरी ये ये क्या होता है की गाँव के लोग कितने सीधे और अच्छे होते हैं कि उनके स्वयं को घर अपना घर नहीं बताते वो ये कहते तो है ये साहब आपका घर है ये आपके बच्चे बच्चे हैं ये आपके पोते पोती हैं ऐसा लोग गांव में कहते हैं तो हम लोगों को तो गांव से शिक्षा लेनी चाहिए यार नहीं मैं तो घर मकान भी आपका हमारा क्या हमारा तो कुछ नहीं है हम तो आपके साथ में जुड़े हुए हैं बच्चे हैं आपके अरे ये आपका बड़प्पन है साहब हम तो शहर में रहते हैं शहर के लोग तो कहीं बैठने की जगह भी नहीं देता लेकिन हमारे आज मौका दिया आपने जो है यहाँ पे है की कैंप लगाया बाकी कौन पूछता है इस गाम में चलो साहब धन्यवाद बहुत बहुत जय हिंद जय मेवाड़ प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू